हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जोमेटो स्टॉक के बारे में और उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और हमारे ऑडियंस हैं, उनके कमेंट आया था, उनकी डिमांड के आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपकी भी यदि कोई डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उस पर वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और EMI स्ट्रेटेजी पर हमने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी उसका लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं जोमेटो पर। जोमेटो का मंथली चार्ट एक बार मैं देखना चाहूंगा, वहां से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप जोमेटो देखेंगे तो जोमेटो के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है जो लगभग 157 रुपए के आसपास है, ठीक है, मंथली चार्ट पर। और यहाँ पर आपको बहुत स्टॉक बुलिश दिखाई दिया है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत स्टॉक में यहां से मुझे नजर नहीं आती, हम यहां से स्ट्रांग है। जाएंगे हम वीकली चार्ट पर, वहां देखने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर हमारे लिए सपोर्ट लेवल कहां पे बनता है? सपोर्ट लेवल बनता है 127 रुपए पर, ठीक है। यहां 27 रुपए का हमारा सपोर्ट रहेगा। वीकली चार्ट पर हम सपोर्ट चेक कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, ये बहुत गहराई है स्टॉक की। ब्रेकआउट यदि यहां से हुआ 157 रुपए से, ये लेवल यदि ब्रेक हो गया तो फिर आपको स्टॉक में बहुत बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। मतलब मेरे विचार से लगभग स्टॉक 300 प्लस जाने की संभावना है। अब बात करेंगे एंट्री करें या एग्जिट कहां पे करें, उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब फ्रेंड्स, आपने मेरी EMS स्ट्रेटजी की वीडियो देखी भी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आपको जाता हुआ दिख रहा है, राइजिंग है, 44 भी राइजिंग है, दोनों राइजिंग है। अब हमारी एंट्री कहाँ बनती है? हमारी एंट्री बनेगी अब यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनेगी, यानी कि इस मूविंग एवरेज को टच करते हुए जो ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, उसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री रहेगी और लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, ठीक है। हाई के ऊपर एंट्री, ओके, कैंडल कुछ ज्यादा सुंदर बन रही है, और लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी पर आप काम करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट कमा सकते हैं। और टारगेट टारगेट आपके लिए पहला 157 का ही है, उसके बाद स्टॉक में लगभग 300 रुपए तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल 157 से 160 रुपए का टारगेट लीजिए और उसके बाद 300 रुपए तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंसर एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिएगा। और बात करेंगे होल्ड, जिन्होंने ऑलरेडी होल्ड किया है वो होल्ड ही करें 127 के स्टॉप लॉस के साथ, 127 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें और अपने स्टॉक को होल्ड करें, ओके। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।